रूस के ऑफर को अमेरिका ने ठुकराया, दिखा दी मूर्खता, सिविलाइजेशन खतरे में, आने वाला समय और खराब, अमेरिका के गलत फैसले से बिगड़ सकते हैं और हालात। दोस्तों, जॉर्ज सोरस ने अपनी तरफ से बयान दे दिया है और उनकी बात से कहीं न कहीं दुनिया को होशियार हो जाना चाहिए कि अगर यहाँ पर अमेरिका पीछे की तरफ नहीं जाएगा या यूक्रेन को सपोर्ट करना कम नहीं करेगा तो हो सकता है कि ये युद्ध का रूप वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो बाइडेन पीछे पीछे यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं उनको देखते हुए ये तो साफ समझ में आ रहा है कि ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका द्वारा कुछ ऐसा काम कर दिया गया है जिसकी वजह से उनको उठाए हुए कदम से ही उसको डर लग रहा है। आखिर ऐसा कौन सा काम अमेरिका द्वारा कर दिया गया है जिसे कि उनको अब पछतावा हो रहा है। यहाँ पर खबर निकल के आ रही है कि अमेरिका ने पश्चिमी देशों से मिल रहे हथियारों पर बैठक की है और इस बैठक में यही बात की जा रही है कि अगर हम इन हथियारों का इस्तेमाल करके रूस के अंदर तक हमला कर देते हैं तो इसका अंजाम हमें क्या देखने को मिलेगा। ये बात आप और हम अच्छे से जानते हैं कि एक बार अमेरिका यूक्रेन को बहका कर यहाँ पर अगर रूस के अंदर हमला करवा देता है तो इसका बदला रूस जरूर लेगा। और आप और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पुतिन बदला लेंगे उससे कहीं ना कहीं भयानक रूप सामने निकल के आ सकता है। यहाँ पर अगर यूक्रेन पश्चिमी देशों का हथियार इस्तेमाल करके रूस के ऊपर हमला कर देता है तो उससे यकीनन युद्ध बुरी तरीके से भड़क जाएगा। लेकिन यहाँ पर अमेरिका द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि रूस के ऊपर काउंटर अटैक के परिणामों को ध्यान में रखा जाए और ये बैठक इस समय हुई है जब अमेरिका यूक्रेन को और भी घातक हथियार देने के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर अमेरिका द्वारा बताया गया है कि वो यूक्रेन को लंबी दूरी का हथियार मुहैया कराने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए अमेरिका द्वारा यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार दे दिए गए और यूक्रेन भी उन हथियारों का इस्तेमाल करके रूस के अंदर तक अटैक कर देता है तो फिर यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि उनके बाद रूस की इसको लेकर कार्रवाई क्या होने वाली होगी। इस चीज को लेकर वैसे तो अमेरिका को सोचना भी चाहिए, लेकिन जिस तरीके का कदम अमेरिका द्वारा उठाया जा रहा है उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका इस तरीके की कोई चीज सोच रहा है, क्योंकि अमेरिका अगर इस तरह की चीजों को ध्यान में रखता तो कोशिश करता कि वो युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करवाए। लेकिन अमेरिका के द्वारा कुछ न कुछ ऐसा कदम उठा लिया जाता है जिससे कि ये युद्ध और भी ज्यादा लंबा खींचता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ पर आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि रूस की एक रेड लाइन है और अगर यूक्रेन उसको क्रॉस कर जाएगा तो यहाँ पर युद्ध का भयानक रूप देखने को मिल सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर जिस तरीके का हथियार यूक्रेन को अमेरिका द्वारा दिया जा रहा है उसका इस्तेमाल करके यूक्रेन अगर रूस के शहरों पे हमला करना शुरू कर देगा तो यहाँ पर ये लाइन क्रॉस हो जाएगी और इसके बाद यकीनन रूस द्वारा भी बहुत खतरनाक कदम उठाया जाएगा। दोस्तों, रूस की तरफ से एक बयान भी निकलकर सामने आया है जिससे रूस कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि यूक्रेन में हमारा काम खत्म, अब हमारा असली टारगेट है पोलैंड। और यहाँ पर जिनको भी ऐसा लग रहा है कि पोलैंड पर रूस अटैक कर देगा तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर पोलैंड जो है वो नाटो के अंतर्गत आता है। ऐसे में यहाँ पर अगर रूस पोलैंड पर अटैक करेगा तो पूरा नाटो मिलकर रूस के ऊपर हमला कर देगा और नाटो को यहाँ पर बहाना मिल जाएगा कि रूस से लड़ सके। और आपको हम ये भी बताते चले, अगर यहाँ पर रूस हारने की स्थिति में आता है तो ऐसे में रूस न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है और एक बार न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो गया तो बात फिर हाथ से निकल जाएगी। और जिस तरीके की बात रूस की तरफ से निकल के आई है पोलैंड के खिलाफ, ये बात सिर्फ और सिर्फ पोलैंड को डराने के लिए है। इसके अलावा रूस ने एक ऑफर दिया है यूएसए को, क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि इस समय रूस और यूक्रेन गेहूं एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में खाद्य संकट पैदा हो गया है और दिन पर दिन ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसी को देखते हुए रूस की तरफ से अमेरिका को एक ऑफर दिया गया है जिसे रूस ने कहा कि जहां पर बंदरगाहों पर हमने कब्जा किया है वहां से हमारी फोर्स पीछे हट जाएगी ताकि यहां पर यूक्रेन दुनिया वालों को गेहूं एक्सपोर्ट कर सके। और यहां पर इसके बदले रूस ने अमेरिका के आगे एक शर्त रख दी है जिसमें रूस ने कहा है कि हमारे ऊपर लगे कुछ प्रतिबंधों को आप हटा लीजिएगा। पूरे प्रतिबंध की बात यहां पर रूस द्वारा नहीं कही गई थी, लेकिन कुछ प्रतिबंध के हटाने की बात रूस कर रहा था। लेकिन यहां पर अमेरिका के द्वारा रूस की इस शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया गया, जो कि अमेरिका द्वारा की गई सबसे बड़ी बेवकूफी में से एक बेवकूफी है, क्योंकि सबसे पहले जो दुनिया में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो कम हो जाती और दूसरी चीज लोगों को ये लगने लगता कि यहाँ पर जिस तरीके से तनाव बढ़ा हुआ है वो दोनों देश मिलकर बैठक कर आपस में बात कर सकते हैं और बातों से मामला सुलझाया जा सकता है। इससे साबित हो जाता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का बिल्कुल भी मूड नहीं है इस युद्ध को रुकवाने का, जिस तरीके का कदम रूस द्वारा उठाया गया था। अगर यहाँ पर अमेरिका रूस का कहना मान लेता तो आगे भी शांति को लेकर रूस और अमेरिका के बीच में बात की जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अमेरिका ने साफ साफ नहीं बोल दिया उस चीज से ये तो साबित हो जाता है यहाँ पर अमेरिका ये नहीं चाहता कि रूस और यूक्रेन युद्ध शांत हो। अगर यहाँ पर जो बाइडेन पुतिन को हाँक कर देते तो ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता। अगर यहाँ पर अमेरिका इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज कर भी लेता
तो इस चीज से कहीं ना कहीं इस युद्ध को शांति का रास्ता मिल जाता। आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि कंप्रोमाइज बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको शांति की तरफ बढ़ना है, क्योंकि बराक ओबामा के द्वारा ये बात कई बार कही गई है। अगर आपको शांति की तरफ बढ़ना है तो आपको कंप्रोमाइज करना ही होगा। बराक ओबामा के अंदर ही 8 साल वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन रहे हैं, लेकिन इन्होंने ओबामा से कुछ नहीं सीखा। इसके अलावा इनको लग रहा है कि खाद्य संकट इनको दिक्कत नहीं करने वाला है, इनको भी खाद्य संकट का सामना करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल इन चीज का एहसास हो जाएगा। जो ये कह रहे हैं काफी गलत कह रहे हैं। जो भी चीजें गेहूं से बनती है उनके प्राइस अब धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। बस फर्क इतना है, अगर आज नहीं बढ़ेंगे तो कल बढ़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से गेहूं से बनने वाली सभी चीजों के प्राइस बढ़ने लगेंगे। दोस्तों, यहां पर जिस तरीके से दोनों ही देश अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, ये चीज कहीं ना कहीं मामला बिगड़ता हुआ चला जाएगा। और जॉर्ज सोरस जैसे लोगों ने जब कह दिया है कि पूरी सिविलाइजेशन खतरे में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी को अपने कदम पीछे की ओर लेने होंगे, नहीं तो इसका अंजाम सिर्फ एक चीज पर जाकर रुकेगा और वो है न्यूक्लियर वॉर। और जिस तरीके का कदम उठाया जा रहा है उसको देखते हुए आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। दोस्तों, लिथुआनिया की तरफ से अमेरिका को एक आइडिया दिया गया है, जिसमें लिथुआनिया ने कहा है कि यूक्रेन के जो पोर्ट बचे हुए हैं यहाँ पर हम लोग अपनी नेवी लेकर पहुँच जाएं। हम लोग यानी अमेरिका और यूरोपियन कंट्री यहाँ पहुँच जाए और एक कॉरिडोर बिल्ड कर दे, जिसकी वजह से यहाँ पर रूस की फायरिंग रुक जाएगी और फिर गेहूँ यहाँ से बाहर देशों में एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर रूस ने इस वॉरशिप पर फायरिंग चालू कर दी तो यहाँ पर मामला और भी ज्यादा बिगड़ता हुआ चला जाएगा। अमेरिका इस पर अभी विचार कर रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका द्वारा इस प्लानिंग को स्वीकार कर लिया जाता है तो फिर यहाँ पर रूस द्वारा कुछ न कुछ बड़ा कदम उठाया जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ पर अभी खतरा और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या रूस की बात को अमेरिका को मान लेनी चाहिए थे और यहाँ पर शांति की तरफ से एक नए कदम की शुरुआत करनी चाहिए थी, या फिर अमेरिका के द्वारा जो कदम उठाया गया है वो सही है? इस विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।